हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल इन ग्लैम ब्यूटीज। आज की इस वीडियो में हम सुपर फास्ट देखेंगे इस रेड वाइन फेशियल कीट की रिव्यू प्लस लाइव डेमो। इसके साथ मुझे फ्री मिला है ये मसाजर कीट, और इस मसाजर कीट में आपको मिल जाएगा एक मशीन और पांच अलग अलग तरह के सरफेस वाले टूल्स। ये जो पांच अलग अलग तरह के सरफेस वाले टूल्स हैं, ये आपके चेहरे पे अलग अलग तरीके के काम करते हैं, तो इसलिए मुझे ये कीट के साथ ही मिला है। तो मेरे ख्याल से जो बिगनर्स हैं जिनको फेशियल करना नहीं आता, उनके लिए कीट परफेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर मेरे फेस दिखा देती हूँ बिफोर फेशियल की, ताकि बाद में मुझे रिज़ल्ट कंपेयर करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है इसका क्लिंजर। तो क्लिंजर मैं अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई करूँगी, और इससे पहले मैंने अपने फेस को पहले ही फेस वॉश से भी वॉश कर रखा है, तो इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल्स में बता रही हूँ, ताकि जो भी इसका रिज़ल्ट आए वो आप लोगों को भी मिले। तो यहाँ पे देखिए, क्लिंजर आप जब लेते हो ना, तो इसके अकॉर्डिंग, इस कीट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आपको 2 से 3 मिनट तक अपने फेस पे इसको सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि ऐसे बहुत सारे फेशियल कीट्स आते हैं जिनमें कि काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट के लिए उसमें बताया जाता है कि 5 से 6 मिनट तक आप अपनी क्लिंजर से फेस को क्लीन कीजिए। तो इन 5 से 6 मिनट के बीच जब आप इसको अप्लाई कर रहे होंगे, मान लीजिए आपका ये क्रीम अगर ड्राई हो जाता है, तो आप अपने हाथों को गीला करके फिर से सर्कुलर मोशन में इसको अप्लाई कीजिए। इसके बाद किसी साफ तौली वाले हैंकी को आप वेट कर लीजिए, और फिर इससे इस क्लिंजर को आप अच्छे से साफ कर लीजिए। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमेशा दूसरा स्टेप फेशियल में हमारा स्क्रबिंग का होता है, तो इसमें भी ये आपको स्क्रब मिलती है। स्क्रब जो है इसकी भी मैं सेम क्वांटिटी लूँगी जितने मैंने क्लिंजर का लिया था, और इसको भी मैं अपने फेस और नेक पे अच्छी तरीके से अप्लाई करूँगी। देखिए, आप कुछ भी अगर करते हो ना, चाहे फेशियल हो जाए चाहे ब्लीच हो जाए, तो आप अपनी फेस और नेक दोनों पे अप्लाई कीजिए, वरना क्या होगा कि आपका फेस और नेक एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा। तो इसीलिए आप जो भी अप्लाई करती हैं अपने नेक पे ज़रूर अप्लाई कीजिए। अब देखिए, स्क्रबिंग के लिए ना, मान लीजिए आप बिगनर हो, नहीं आता आपको स्क्रबिंग करना, तो आप उन जगहों पे ज़्यादा फोकस कीजिए जहाँ पे आपके वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स ज़्यादा हैं। और जब भी ये स्क्रब आपका, मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ड्राई हो जाता है, तो अपने हाथों को वेट कर लीजिए, और फिर सर्कुलर मोशन में जहाँ कहीं भी आपके वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स हैं वहाँ पर आप इसको रब कीजिए। हल्के हल्के हाथों से ही रब कीजिएगा ज़्यादा, वरना फिर आपकी स्किन पे रैसेस पड़ सकती हैं। अब फिर से हम वेट टॉवल ले लेंगे और उससे इसको वाइप कर देंगे। तो देखिए, इन दो ही स्टेप को करने से हमारे फेस पे कितना अच्छा सा निखार आया है। तो ऐसे भी रेड वाइन जो होती है वो स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाती है। अब जो हमारा तीसरा स्टेप है वो है मसाजिंग क्रीम का। तो ये जो क्रीम है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई है, क्योंकि काफ़ी थिक टेक्सचर में है, और आप इसको जिस तरीके से अप्लाई करोगे ना, आपका जो फेस होगा वो उस डायरेक्शन में टाइट होता चला जाता है, जो कि मुझे इस फेशियल किट की काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अब देखिए, हम पहले तो क्रीम को अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स करेंगे। तो मसाजिंग क्रीम जब भी आप यूज़ कर रही होंगी, तो कोशिश कीजिएगा कभी भी गलत डायरेक्शन में अपनी उंगलियाँ ना चलाएं, वरना फिर आपके स्किन पे रिंकल्स पड़ सकती हैं समय से पहले ही। इसीलिए आप इन जो भी स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, उसको आप याद कर लीजिए। पहले तो आप अपनी फेस पे क्रीम अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, और फिर अपनी दो उंगलियों का सपोर्ट लेकर आप इस तरीके से 3 स्टेप्स में अपने फेस को मसाज कीजिए। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है, इसमें आपको अपनी जॉ लाइन को ऊपर की तरफ मसाज करते हुए लिफ्ट करना है। इससे आपकी जो भी जॉ लाइन्स हैं बिल्कुल लिफ्टेड दिखेंगी, आपकी चिन एरिया बिल्कुल शार्प हो जाएंगी। अब जो हमारा थर्ड स्टेप है, इसमें आपको सिंगल उंगली का इस्तेमाल करना है और अपनी फोरहेड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए मसाज करना है। इससे आपकी जो ब्रॉ बोन होगी वो लिफ्टेड दिखेगी। अब हमारा आ जाते हैं नेक पार्ट पे। तो नेक पार्ट, मान लीजिए आपकी अगर रिंकल्स आ रही हैं थोड़ी बहुत भी, तो ये स्टेप आप कीजिए, आपकी रिंकल्स बिल्कुल चली जाएंगी। तो मसाजिंग क्रीम इसीलिए होती है। अगर ऐसे तो कहा जाता है कि आप इसको प्रोफेशनल हाथ से करवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप बिगनर हो, घर में ही करना चाहते हो, तो आप इन सारे छोटे छोटे स्टेप्स को करके आप मसाज कर सकते हो। तो 12 से 15 मिनट तक मसाज करने के बाद हम इसको भी वाइप कर देंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसमें हमारा जेल है। तो इस जेल की जो टेक्सचर है वो एलोवेरा जेल से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा थिक है।
तो इसे हमें हल्की ही क्वांटिटी लेनी है और अपने फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना है। तो अच्छे से अप्लाई करने के बाद हमें इसको एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इससे हमें मसाज नहीं करना है, जेल से हम कभी भी मसाज नहीं करते, वरना ये आपके फेस पे उल्टा इफेक्ट डालेगा। तो जब ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाएगी तो उसके बाद हम इसको फिर से गीले टॉवल से वाइप कर देंगे। और यहाँ पे अब आपको दिखेगा क्लियर रिजल्ट केवल 4 ही स्टेप्स में। अभी हमें इसका 5वां स्टेप भी बचा है, तो यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्लो आ गई है। अब हमारा जो 5वां स्टेप है इस फेशियल किट का, वो है एक फेस पैक। तो काफ़ी क्रीमी टेक्सचर है इसकी और इसको हमें अपने फेस और नेक पे काफ़ी थिन लेयर में ही अप्लाई करना है। तो हालांकि पिछले 4 स्टेप करने में मुझे अपने फेस पे कुछ भी फील नहीं हुआ था, लेकिन ये क्रीम अप्लाई करने के बाद ना थोड़ी बहुत मुझे इरिटेशन हुई थी, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद चली गई थी। तो अगर ऐसा आपको भी होता है तो थोड़ा सा आप उसको झेल सकती हैं, और अगर झेलने लायक नहीं है तो फिर आप उसको रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 मिनट तक रखा है, और 5 मिनट के बाद जब ये ड्राई हो गई है तो अब मैं इसको रिमूव कर दे रही हूँ। और रिमूव करने के बाद बिना कोई टोनर, बिना कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई किए मैं आपको अपनी फेस यहाँ पे कंपेयर करके दिखाती हूँ। तो ये बिफोर एंड आफ्टर के रिजल्ट देखने के बाद आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हो। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय।